पहले मैं बहुत उदास था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे परेशान रहती थी, मेरी बालकनी उजाड़ लगती थी और मेरी बिल्लियां मुझसे दूर भागती थी। पर अब वर्टिकल गार्डन लगाते ही मेरी जिंदगी बदल गई। चाहे आपके घर में लाइट कम आती हो या मुंबई जैसे शहर में स्पेस क्रंच से लड़ रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने घर में वर्टिकल गार्डन कैसे लगा सकते हैं। मुंबई में इतने छोटे छोटे घर हैं और इस एक 1 BHK में हम चार रहते हैं। We have really got into gardening during this work from home. हमने डिसाइड किया कि we'll make a vertical garden in 7 easy steps. Space डिसाइड करना बहुत ही इजी था। सबसे पहले हमने एक टाइम लैप्स सेट किया और पूरी बालकनी खाली करी। कचरा फाइनली बाहर निकल गया है, वॉल पूरी खाली हो चुकी है। यहाँ पे हमें लगाना है अपना गार्डन। बहुत ही लीन था ये। कचरा हटा के उसे हटा के कितना स्पेशियस लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं वो। हाँ मतलब ये हैव गुड अबाउट 2.5 feet स्पेस। ये कौन सा ट्राइबल लोगों का मेजरमेंट स्कीम है? सब भैया 5 हाथ वाला वर्टिकल गार्डन दे। हमने ऑनलाइन देखना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं एंड वी वर क्विकली ओवरवेल्म्ड। तो हमारे पास जो वॉल है वो है 3 feet 7 inch by 8 feet 7 inch वाली, है ना? और इसमें हम थोड़ा थोड़ा इधर अपना मार्जिन छोड़ रहे हैं। तो उसे एक ये वाले पॉट चाहते हैं, तो वो जो ट्रेडिशनल ब्रैकेट आता है वो ऐसा आता है। इसमें 4 ड्रिल करके हमें होल बनानी पड़ती है यहाँ। हाउ मेनी ऑफ दीज डू वी नीड फॉर दिस वॉल? 1, 2, 3, 4, 24. Is there something else we can mount this on? हम solutions online ढूंढ रहे थे, but the answer was right in front of us. ये लगाते हैं? हाँ मतलब वो if we screw it right, if you want to see how much it's for. हाँ। हमारे फ्रेम्स आ चुके थे और हमारे पास ऑलरेडी ड्रिल और हुक्स थे। वी गॉट सम गार्डनिंग टूल्स, पॉट्स, 1 box, कोकोपीट एंड प्लांट्स। अरे प्लांट्स भी तो लेने हैं। सो टू सोर्स प्लांट्स फॉर आवर वर्टिकल गार्डन, वी हैव कम टू वृक्षा, व्हिच इज अ ह्यूज नर्सरी इन विले पार्ले। वी आर लुकिंग फॉर प्लांट्स जिनको लाइट बहुत कम चाहिए, कैट फ्रेंडली है और वर्टिकल गार्डन में फिट हो सकते हैं। लाइक दिस। हमने वृक्षा में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया and selected all our plants. Jari naam. Blue fern. Begonia. Spider plant. Miranda. Purple horlicks. Calatium. Black aloe blur. इससे पहले हम और plants के गलत नाम बोलते, we sought expert advice. Honestly, bad idea. Okay. Bad idea. Jalis, if you have daily light conditions, if it's not very dark, it works. Bird's nest fern also would look really nice. The black alocasias, all of these basically. On a wall, generally when you have layers created, it looks much better. So take something like those. Yeah. It costs you like $200. Yeah. Beautiful plants. The rest are fine. The rest are perfectly fine. अब हम सारे plants ले चुके थे and we were all ready to... Wait, wait, wait. Now we're done. So अब हम सारे plants ले चुके थे and we were all ready. Oh my God, look at that plant. दो बार वॉइस ओवर आ चुका है ऑलरेडी। सो एज आई वाज सेइंग, अब हम सारे प्लांट्स ले चुके थे एंड वी वर ऑल रेडी टू कंप्लीट आवर स्टॉप मोशन। लेट्स गेट सम ग्रिड्स और ये आपस में हम बांध लेंगे। सो वन को कॉलर बांध मुख पे एंड वन इन द मिडिल और इनको जिप टाइप से बांध। दे वांट टू गिव गैप हियर। Unit 1, Unit 2 and Unit 3. हमारा बालकनी का जो लेवल है वो बहुत नीचे है। बेसिकली अगर हम इधर लगाते हैं वर्टिकल गार्डन तो ये रूम से पूरा पूरे टाइम दिखेगा। We found these S hooks. Instead of drilling all the holes, नीचे S hook लगाया और एक इधर S hook लगाया
Ta-da! This is a rented house. Yeah. And we don't want to drill too many holes, ताकि बाद में owner बोलेगा कि क्या scene चल रहा है बस. So इससे हमें सिर्फ यहाँ पे 3 holes drill करने हैं और हम पूरी चीज को यहाँ पे टंगा सकते हैं. Porting से पहले let's drill. Now we take our screw hooks. अब प्लांट पॉट करते हैं। तो ये है कोको पी। This has been soaking overnight. Coco peel is basically made out of coconut husk. This retains a lot of moisture, पर इसमें खुद की कोई nutrients नहीं होती। हम आज coco peel और soil जिसमें हमारी plants आई थी नर्सरी से, उनको mix करेंगे और use करेंगे। We set up a potting station and मुझे repotting के lessons मिले। Loosen up the soil. And then slowly pull the plant out of the pot. White white जो आप लोगों को दिख रहा होगा, that's nutrients basically. And this soil already is mixed with potting soil and coco peel. So इसको धीरे से थोड़ा थोड़ा करके हमें हल्का pull. बहुत ज़्यादा नहीं, because then the roots get distressed. इसमें ये जो soil निकाले और coco peel को ऊपर ही ऊपर mix कर लेना है. और इसमें हम भरेंगे soil. Halfway भरेंगे और बीच में जगह सा बना ली जिसमें हम ये बैठा. And then we will fill it up with soil. So coco peel helps retain moisture and it is soft. It is not very compact indoor plants को. बहुत compact soil नहीं पसंद. वो suffocated feel करती है. तो ये हो गई है एक pot ready. जितने हम प्लांट्स ऐड करते गए, रितिका उतनी ही एक्साइटेड होती गई. Oh yes, look at the beautiful roots on this plant. Repotted jewel allocation. आज सुबह ये थोड़ी सैसी एक्ट कर रही थी, इसको पानी डालना पड़ा तब ये खिल उठी. एक प्लांट से तीन प्लांट. And I was struggling to catch up. अरे एक प्लांट को क्यूसी करके देखते रहना, फिर लटका रहे. मैम प्लीज क्यूसी, क्यूसी, क्यूसी. Everything seems so calm, so peaceful. Worm. So what worms do is they aerate the soil. वो soil में से अंदर बाहर घूमते रहते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. और उससे soil में air घुसती है. तो worms are really good for the plant. अगर आपको ऐसे snails मिल रहे हैं जो आपके pots में और plants में घूम रहे हो, उन्हें निकाल दो क्योंकि वो आपके plants को खा रहे हैं. After a little touch-up, our vertical garden was finally ready. And we were not the only ones enjoying it. If you have any advice or pro tips about setting up your own vertical garden, या हमने कुछ गलत या सही किया हो, so do let us know in the comments below. And if you like this video, then like, share and subscribe to Gobble.